गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑन डेरिवेटिव्स। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक मेथड था जो कि हमारे पास जितने भी डेटाबेस के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी एनोमलीज अराइज होती हैं, जो भी चाहे आपकी ऑपरेशन थी, इंसर्शन थी या डिलीशन थी, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन की कुछ फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जब भी कभी रिलेशन के अंदर हमारे पास कंपोजिट या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो जब वो सारे के सारे हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब दूसरे में अगर हम कहें कि एक रिलेशन के फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा अगर इसके अंदर कंपोजिट या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करते आपके पास। ठीक है, मीन्स अगर आपके पास जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं, तभी हमारे पास रिलेशन जो होता है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक फोन दिया हुआ आईडी दिया हुआ, नेम दिया हुआ, कोर्स दिया हुआ। अब आईडी नंबर वन है, नेम ए है, उसको सी वन और सी यानी कि दो कोर्सेज है। तो एक स्टूडेंट है वो मल्टीपल कोर्सेज में इन्वॉल्व हो सकता है। मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा कोर्सेज हैं कोई भी है, तो मल्टीपल कोर्सेज में वो इन्वॉल्व हो सकता है। अब मल्टीपल कोर्सेज में या अगर बात करें सब्जेक्ट्स की, तो उसके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके पास मान लीजिए दो कोर्स है, सी वन और सी टू। स्टूडेंट को ई के पास सी थ्री है और एम के पास दो सी टू एंड सी थ्री। तो अपना देखिए एक ही नाम के आगे मल्टीपल है, यानी कि दो कोर्सेज है, तो सी वन सी टू। अब क्या क्या है, अपन हमने एक ही बात पे लिखा हुआ है, यानी कि जो मैनुअली किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो हमने उसी के आगे ऐड करते हुए चल रहा, तो यह होता है हमारे पास मल्टीपल। एक ही फील्ड में किसी भी कोर्सेज की कितनी वैल्यू शो करें, दो वैल्यू। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट एलो की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या नहीं है, फर्स्ट एलो नहीं है। अब जब ये फर्स्ट एनम हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब हम इसे कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट एनम में। फर्स्ट एनम में कन्वर्ट करने के आधार पर जितने भी ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम कन्वर्ट करेंगे सिंगल में। ठीक है, राइट वर्स, जैसे फर्स्ट ए का सी वन अलग कर दिया, हमने सी टू कोर्स अलग कर दिया। सेकेंड का बस तो एक ही कोर्स था, आम के पास दो कोर्स तो हमने दो एड्रेस के तौर पर सी टू। तो ये होती है हमारे पास फर्स्ट में नॉर्मल फॉर्म, यानी कि जितने भी हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे और हमारे पास जो कंडीशन है वो बन जाते हैं कि हमारे पेपर के अंदर कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ना हो, तो वो फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए जो सबसे पहले रिलेशन आपका फर्स्ट एनम होना चाहिए, यानी कि हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कहीं भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, एंड कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास फर्स्ट एनम में तो है और साथ में पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर दूँ, तो मेरे पास जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, आपका सेकेंड एनम में, यानी कि टू एनम होना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब है कि जितने भी आपके पास नॉन पी प्राइम एट्रीब्यूट्स जो हैं आपके पास, जितने भी हैं जो कि हमारे कैंडिडेट की के पार्ट नहीं है आपके, वो डिपेंड होने चाहिए ऑन एनी प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर सब्जेक्ट है कैंडिडेट की का जो कि आपको डिटरमाइन कर लेते हैं नॉन प्री प्राइम एट्रीब्यूट्स को, तो हम उसको कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेपर है जिसमें स्टूडेंट का नंबर है, फर्स्ट का नंबर है उसकी फीस, यानी कि फर्स्ट फोर सिल्वर की फीस इतनी है, सेकेंड फोर सिल्वर की फीस इतनी है, सी फोर की इतनी है, फर्स्ट स्टूडेंट नंबर है उसके लिए इतनी है। तो स्टूडेंट नंबर दिया हुआ, उसका कोर्स दिया, उसके नाम पर उसकी कैलरी करने फी दे। अब अगर हम देखें कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी फीस सेम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी थ्री की भी फीस सेम है और सी वन की भी फीस कितने हैं, थाउजेंड रुपीज है। ठीक है, अब कोर्स फीस सेम, हम नहीं कोर्स नंबर या स्टूडेंट नंबर को अलाउ में डाल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर मैंने कोर्स फीस थाउजेंड डाला तो थाउजेंड आधार के लिए दोनों कोर्सेज होते सी थ्री सी टू। ठीक, अब अगर हम स्टूडेंट नंबर की बात करें, अगर थाउजेंड की बात करें तो सी वन की भी स्टूडेंट नंबर वन का भी है और मेरे पास है स्टूडेंट नंबर फोर का। कोर्स फीस को अगर हम नहीं देंगे तो अपने आप में पूरी कोर्स नंबर या स्टूडेंट नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते या उसको डिटरमाइन नहीं करेगा आपका। अब कोर्स फीस में अगर मैं स्टूडेंट नंबर डिसाइड डालू तब भी वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कोर्स नंबर को, क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने कोर्स में डाला थाउजेंड और कोर्स नंबर डाल दिया सी, इसमें कौन सा स्टूडेंट है फोर की, अगर हम देखें थाउजेंड मेरे पास कोर्स फी है, कोर्स नंबर सी वन है, उसमें स्टूडेंट नंबर भी था सी वन। तो इट मीन्स क्या, जो कोर्स पे अगर मैं स्टूडेंट नंबर के साथ आता हूँ तो वो भी कोर्स नंबर को आइडेंटिफाई नहीं करता हमारे क्या। तो इट मीन्स क्या है कि हमारे पास जो कोर्स भी है वो आपके पास नॉन प्रियर का एट्रीब्यूट है, क्योंकि वो किसी भी कैंडिडेट को बिलो
हमारे पास जो पेपर आएगी वो इस तरीके से तो स्टूडेंट नंबर कोर्स नंबर और एक कोर्स नंबर और कोर्स किया ठीक है। तो कोर्स नंबर की यानी कि कोर्स फी की टेबल है वो कोर्स नंबर को कोर्स फी को अपने अपने यूनिट में डिटरमाइन करेगी कि सीवन की फीस इतने कोर्स सेकंड की फीस इतने थर्ड की इतने फोर्थ की इतने। और यहाँ पर स्टूडेंट नंबर हमारे पास कोर्स से रिलेट हो गया तो इट मीन्स वो अपने आप डायरेक्टली क्या होगा हमारे पास डिपेंड डिफाइंड हो जाएगा कि उस फर्स्ट वाले स्टूडेंट के पास वो कोर्स सीवन भी है कोर्स थ्री भी है यानी कि टेबल मेरे पास फर्स्ट एनुअल में भी होनी चाहिए मल्टी एनुअल में हमारे पास एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए और सेकेंडली हमारे पास जो भी डेटा है वो अपने आप में क्या होना चाहिए टाइम के एट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए तो वो सब चीज़ें हमारे पास क्या होती है सेकेंड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। देखिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो होता है कोई भी रिलेशन है वो थर्ड एनुअल में होगा अगर उसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी नॉन में आए ठीक एट्रीब्यूट्स और साथ में सेकेंड एनुअल में रिलेशन यानी कि सेकेंड एनुअल में तो होगा ही और साथ में एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो होती है वो चीज भी हमारी नहीं होनी चाहिए ठीक है। जैसे कि रिलेशन एटलीस्ट वन नंबर होने की कंडीशन होल्ड होती है हमारे पास जैसे फंक्शन डिपेंडेंसी एक्स के पास अगर मेरे पास कहीं फंक्शन डिपेंड कर रहा है इसके एट्रीब्यूट एक्स पे तो मींस एक्स जो है क्या हो गया मेरी सुपर की और वाई मेरे पास क्या प्राइम एट्रीब्यूट है जो कि पार्ट वन कुछ कैंडिडेट ठीक है। अगर देखिए मेरे पास स्टूडेंट नंबर की टेबल है स्टूडेंट का नहीं स्टूडेंट की स्टेट है कंट्री है और स्टूडेंट की एज है। अब अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ पर एक नाम से दो स्टूडेंट है राम और राम ठीक है लेकिन दोनों की एज डिफरेंट है दोनों का स्टेट डिफरेंट है एक हरियाणा से और एक पंजाब से ठीक। अब अगर हम देखें पंजाब में दो स्टूडेंट्स हैं कौन राम और सुरेश ठीक। अगर देखें तो स्टूडेंट नंबर पर स्टूडेंट का नेम डिपेंड हो जाएगा तो स्टूडेंट नंबर से स्टूडेंट का स्टेट डिपेंड हो जाएगा और ठीक है और स्टूडेंट स्टेट से स्टूडेंट की कैंडिडेट हो जाएगा और स्टूडेंट नंबर से स्टूडेंट की एज ठीक। तो स्टूडेंट नंबर से फाइव चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं तो स्टूडेंट नंबर मेरे पास इस तरीके से क्या होगा कैंडिडेट भी हो गया मेरे पास ठीक। अब स्टूडेंट नंबर से स्टूडेंट एज से आ जाएगा स्टूडेंट स्टेट से स्टूडेंट कंट्री भी आ जाएगी जैसे कि स्टूडेंट कंट्री जो है वो डिपेंड कर रही है इसलिए स्टूडेंट नंबर ठीक है। फिर कंट्री तभी डिटरमाइन कर सकते हैं जो डिपेंड करेगी किसके स्टूडेंट नंबर पर ठीक है। अब इसको थर्ड एनुअल में क्योंकि कन्वर्ट करना हम क्या करेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट एज स्टूडेंट फोन अगर मेरे पास बहुत सारे हैं तो हम उन्हें डिवाइड करेंगे जिसमें भाई पेपर कॉलम्स ठीक है। और हमारे पास जो थर्ड एनुअल है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे जैसे हम क्या करेंगे जैसे हमारे पास था जैसे स्टूडेंट नंबर से स्टूडेंट की एज आ जाएगी मेरे पास लेकिन स्टूडेंट का नेम आ जाएगा स्टूडेंट की स्टेट आ जाएगी स्टूडेंट की कंट्री पता चल जाएगी। अब मैं ऐसे कैसे भी कम सकता स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम को मैंने एक टेबल में डाला ठीक स्टूडेंट स्टेट और स्टूडेंट कंट्री को हम एक में डाल देंगे यानी कि मेरी मल्टीपल डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा पंजाब इंडिया हरियाणा है अब वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर स्टूडेंट की स्टेट से ये पता चल जाएगा अगर मेरे पास स्टूडेंट नंबर वन है उसका स्टेट क्या है सेकेंड है तो वहाँ से पता चल जाएगा उसकी कंट्री कौन सी मेरे पास दस ठीक है। एक हम कर सकते हैं स्टूडेंट नंबर और उसकी एज भी बना सकते हैं तो यानी कि हमने क्या किया टेबल को डिकम्पोज कर दिया जिससे कि आपके पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी जल्दी से तो वो हमारे पास कौन सा होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म ठीक है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म से पहले एक नाम दिया जाता है वाइपर नॉर्मल फॉर्म यानी कि बेसिक एनुअल। देखिए जनरली क्या है एक रिलेशन कोई भी है तो आपके पास बेसिक एनुअल होगा अगर हमारे पास अगर मेरे पास कोई रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म है और जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है आपके पास यानी कि एलएचएस जो सुपर की है तो रिलेशन हमारे पास थर्ड एनुअल में होगा एक अनोली एवरी नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स अगर मेरे पास एक्स टू वाई है यानी कि वाई फंक्शनल डिपेंडेंट है जिसका एक्स पर एक्स इस केस में मेरे पास क्या होनी चाहिए सुपर की हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है बीसीएनएफ में सबसे पहले जो फीचर्स आते हैं आपके पास बीसीएनएफ में डिपेंडेंसी नहीं होती फ्री होता है हमारे पास डिपेंडेंसी से। सेकेंड अगर कोई भी रिलेशन बीसीएनएफ में होगा तो थर्ड एनएफ उसे सेटिस्फाई जरूर करेगा यानी कि थर्ड एनएफ को रिलेशन जो होता है बीसीएनएफ में होता है ठीक है सॉरी बीसीएनएफ रिलेशन जो होगा वो थर्ड एनएफ होगा लेकिन थर्ड एनएफ बीसीएनएफ को जरूर नहीं होता ठीक है। अगर मेरे पास जितने भी एटीट्यूड्स हैं रिलेशन में प्राइम एटीट्यूड्स हैं तो रिलेशन हमेशा किसी मौका मिला थर्ड एनएफ होगा ठीक है। रिलेशन जो होता है रिलेशन डेटा बेस में एटलीस्ट वन एनएफ होना चाहिए यानी कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हमारी कभी नहीं होनी चाहिए ठीक है। दूसरा कितने भी बाइनरी रिलेशनशिप होते हैं जिसमें टू एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा
हमारे पास थर्ड एनर फॉर्मली वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और भी नॉर्मल फॉर्म्स होती है जैसे फोर्थ और एनर्थ एनर। देखते हैं अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड डेटाबेस के अंदर, कोई भी प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए बनाने के लिए हमें थर्ड एनर तक लेकर के आना होता है अपना नॉर्मलाइजेशन, हमें फोर्थ या फिफ्थ की जरूरत नहीं होती है। हमें डेटाबेस के अंदर अगर हम कोई भी परफेक्ट डेटाबेस कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें ये मान करके चलते हैं कि हमारे पास जो भी डेटाबेस है हमारे पास या जो भी हमारे पास डेटा है उसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है वो थर्ड एनर तक होना चाहिए, ठीक है। चाहे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कितने भी प्रोजेक्ट बनाने हो उसमें नॉर्मलाइजेशन हमेशा एटलीस्ट थर्ड एनर तक होना चाहिए। थर्ड एनर पर जब हमारा नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तब हम कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है किसी भी एक्सीक्यूट हो जाता है यानी कि आराम से हमारा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अंदर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, देखिए फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन है जहाँ पर नॉन प्राइवेट मल्टीवैल्यू डिपेंडेंसी होती है अलग अलग कैंडिडेट की के अलावा कोई भी नॉन प्राइवेट मल्टीवैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। आपके जनरेट और बीसी एनर का जितना हमने बना लिया उस पर ये बेस होती है, फर्स्ट एनर सेकेंड एनर थर्ड एनर और लास्ट में जाता है हमारा बीसी एनर, ठीक है। ये स्टेट करता है आपके पास कि इन एडिशन टू द डेटाबेस जो कि आपके पीसे रहते हैं इसके अंदर मोर देन वन मल्टीवैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास फोर नंबर का था। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की तो रिलेशन कोई भी फोर एनर में होगा अगर वो बीसी एनर में और थर्ड टेबल के अंदर कोई भी मल्टीवैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी तब हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी रिलेशन है जो भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास वो बीसी है हमारे पास हमारा फोर्थ एनर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म और जो कि प्रोजेक्ट नॉर्मल फॉर्म होती है आपके जो हमारे पास रिलेशन आ रहे हैं उसको फाइव एनर में कहते हैं जिसकी भी ज्वाइंट डिपेंडेंसी होती है वो आपके कैंडिडेट की से इंप्लाई होती है, यानी कि रिलेशन आपका डिकम्पोज होता है पूरी एजेस में टेबल लॉस लेस जॉइंट प्रॉपर्टी होगी जो कि आपको डिवाइड की कोई एक्सटर्नल पर्पज आपका जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। और जब रिलेशन होते हैं तो अगर हम सारे रिलेशन को डिलीमिनेट कर दें नेचुरल जॉइंट के थ्रू तो मुझे ओरिजिनल टेबल जो थी वही मुझे मिल जाती है, ठीक। तो कोई भी रिलेशन आपके पास फाइव एन एफ होगा अगर वो सेटिस्फाई करें, अगर फोर एन एफ में और कैन नॉट बी फर्दर नोन नॉट यानी कि इसमें कहीं भी कोई जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होती यानी कि ज्वाइंट डिपेंडेंसी अगर एग्जिस्ट नहीं करती है और रिलेशन मेरे पास फोर एनर है तो हम कहते हैं रिलेशन हमारे पास कौन से फॉर्म होगा फिफ्थ एनर फॉर्म होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपनी एजेंट है कंपनी से ए वन का पीक्यूआर है और नेट प्रोडक्ट है, ए वन एजेंट है उसका कंपनी पीक्यूआर इसमें वो गोल्ड भी लेता है, ठीक है। ए बी के पास पीक्यूआर कंपनी के नर्ड्स है, ठीक। अब इस केस में रिलेशन जो है वो डिकम्पोज होगा हमारे पास कितना थ्री रिलेशन में और नेचुरल ज्वाइंट जो हम अप्लाई करेंगे तो मुझे एक्चुअली कितना मिल जाएगा, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एजेंट को और कंपनी को हम ज्वाइन करते हैं यानी कि एजेंट से हमारे पास क्या डिकम्पोज हो गया कंपनी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एजेंट कौन सी कंपनी से डील करता है। देन हम क्या करें एजेंट का प्रोडक्ट का बना दें कि एजेंट क्या क्या प्रोडक्ट खरीदता है, जैसे ए वन आपका वेंटिलेटर है वेंटिलेटर और ए टू आपका वेंटिलेटर और दूसरा हम क्या करें कंपनी और उसका जो प्रोडक्ट है उसके टेबल को डिकम्पोज करें, यानी कि मेरे पास एक रिलेशन था उसको मैंने डिकम्पोज किया थर्ड तीन रिलेशन से। सबसे पहले एजेंट और प्रोडक्ट को कर दिया, एजेंट और कंपनी को कर दिया, कंपनी और प्रोडक्ट को कर दिया। अब मैं अपने बीच में अगर नेचुरल ज्वाइंट अप्लाई करूंगी तो इनके नेचुरल ज्वाइंट अप्लाई करने पर हमारे पास मुझे जो ओरिजिनल टेबल थी मुझे वही हमारे मिल जाती है, तो ये हमारे पास हो गया क्या फिफ्थ नॉर्मल, ठीक है। तो जनरली अगर मैं आगमन आर थ्री को कंपनी की और नेचुरल आगमन थ्री और आर टू को करा दूँ तो मेरे पास जो एक्चुअली टेबल थी वो मेरे पास जनरेट हो जाएगी यानी कि एक्चुअल टेबल जो मेरे पास था वो मुझे मिल जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं कि जो डिपेंडेंसीज रहती है ये तो सारे के सारे एलिमिनेट हो गए और हमारे पास जो हमारे पास था डिकम्पोजिशन था या डिकम्पोज जो टेबल्स आई हैं वो हमारे पास पहुंचे फॉर्म में फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये था हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है हमारे पास थर्ड नॉर्मलाइजेशन लेवल तक आना जो होता है वो कंपैरेटिवली डेटाबेस के लिए परफेक्ट होता है, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं करते। अगर आपने क्लास टेन कंप्यूटर साइंस में जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें भी हमारे पास कौन सी रिलेशनशिप का थर्ड एनर तक इस्टेब्लिश करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर फिजिकल डेटाबेस डिजाइन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में,
तो नॉर्मलाइजेशन के सारे काम को कर लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर लीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।